नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप दोस्तों CSEBLE या कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं दोस्तों, आपके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों दोस्तों अगर आपने अभी तक CSE से कोई भी बैंक BC नहीं लिया है, तो दोस्तों CSE जो है IDBI बैंक का CSP ऑनलाइन देना स्टार्ट कर दिया है। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक आपने मिस्टर बियारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दोस्तों रेड बटन जो दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों बात कर ले कि CSE जो है IDBI बैंक का जो है अप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिए BC पॉइंट के लिए, तो दोस्तों किस प्रकार से अप्लाई करना है इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक ट्विटर पे भी दिखा देना चाहता हूँ कि CSE गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे इसका पोस्ट भी अप्लाई का पोस्ट भी दे दिया कि किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस प्रकार से अप्लाई इसका करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है या फिर सिंपली आपको बैंक मित्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ही सर्च कर लेते हैं बैंक मित्र पोर्टल। जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो CSE का जो बैंकिंग का बैंक मित्र पोर्टल है वो ओपन यहाँ पे हो रहा है। बैंक मित्र पोर्टल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आप जैसे ही नीचे आइएगा, नीचे में दोस्तों आपको जो है पहले तीन ही आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा, बीएलई रजिस्ट्रेशन, बीएलई इंफॉर्मेशन अपडेट, बीएलई कमीशन। लेकिन अब जो है यहाँ पे दो ऑप्शन बढ़ चुका है, एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक, एप्लीकेशन फॉर IDBI बैंक BC। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो IDBI बैंक के बारे में, BC के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा, एक न्यू विंडो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब ये विंडो को ओपन होने देते हैं। न्यू विंडो ओपन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई अदर बैंक का BC है या फिर नहीं है। अगर आपके पास अदर बैंक का BC है तो आप यस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे BC के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली नो करते हैं क्योंकि मेरे पास जो है नहीं है। तो सिंपली नो करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना यहाँ पे CSE ID डाल देना होगा। तो CSE ID यहाँ पे हम लोग के लिए डाल चुके हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो CSE ID का वेरिफिकेशन करेगा कि आपके CSE ID पे कोई BC है या फिर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन में क्या आता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे BC रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो सिंपली आपको जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है और ब्रांच कोड और अपना मोबाइल नंबर डाल के, और यहाँ पे आपके CSE सेंटर से ये ब्रांच कितने डिस्टेंस पे है वो डाल करके आपको यहाँ पे टिक मार्क लगा करके सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो चलिए हम लोग ये डिटेल जो है पूरा यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थैंक्स फॉर योर इंटरेस्टेड फॉर IDBI BC। तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे वो ले लिए हैं, उसका जो है अब ये लोग आपका डाटा बनाएंगे और यहाँ पे आपका अप्लाई जो वो सक्सेसफुली हो गया है। अब जो क्या होगा कि इसका डाटा के हिसाब से आपको कॉल आएगा और इसके BC का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी आगे का प्रोसेस होता है, वो आपको कॉल करके बुलाया जाएगा ब्रांच में बुलाया जाएगा और ब्रांच में ही सारा पेपर वर्क जो है हो जाएगा और आपका IDBI का जो VC है पॉइंट है वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।